शाम को प्रैक्टिस पे था, बस ईस्ट दिल्ली के ग्रुप में ऐड हुआ, बस खत्म। मतलब बचपन में भी ऐसा ही होता था कि अगर कल सुबह क्रिकेट खेलना होता था तो लड़कों के बॉयज ग्रुप जो होता था व्हाट्सएप मैसेज आ जाता था कि कल सुबह क्रिकेट खेलो। MS धोनी जिन्हें मैं टीवी पे देखता हूँ मेरे सामने, और ऐसे ही लगता है मैं सपने में हूँ आज भी। मुझे नहीं पता ऑक्शन में क्या होगा, कौन लेगा या नहीं लेगा, खाना पीना रहना सोना सब चीजों पर बहुत ख्याल रखना पड़ता है। पूरी दिल्ली इस वक्त क्रिकेट के रंग में रंगी हुई है क्योंकि दिल्ली प्रीमियर लीग खेली जा रही है, और मेरे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं उन्हें आपने पहले भी बहुत बार देखा होगा, चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में देखा होगा, महेंद्र सिंह धोनी की टीम में आपने इन्हें देखा होगा, और फिलहाल दिल्ली प्रीमियर लीग में ईस्ट दिल्ली के लिए गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस सीजन के सिमरजीत सिंह। सिमर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। बहुत धन्यवाद। दिल्ली प्रीमियर लीग किस तरीके का ये एक्सपीरियंस है, कितनी बड़ी ये लीग आप मानते हैं, और आपने IPL भी खेला है और आपने दो सीजन IPL में आप गेंदबाजी करते हुए नजर आए 2022 उसके बाद 2024, कितना आपको सिमिलैरिटीज लगती हैं दिल्ली प्रीमियर लीग और IPL? मतलब बहुत ज़्यादा एक अच्छा इनिशिएटिव है, मैं बोलूँगा एज ए DTC की तरफ से, कि एज अ हमें यंगस्टर्स को चांस मिल रहा है अपना टैलेंट शोकेस करने का आगे, कि लोग हमें देखें और लोग हमें और मौके मिले क्रिकेट खेलने के और हमें दुनिया देखे आगे। और क्योंकि DPL को पूरा देश देख रहा है, आई थिंक देश के विदेश में भी बहुत लोग देख रहे हैं कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। सो उससे आपको एज ए क्रिकेटर बहुत फ़ायदा होता है कि आप अपना टैलेंट शोकेश करते हो, आगे आते हो, लोगों को दिखाते हो आप कैसा परफॉर्म करते हो, और ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है एक यंगस्टर के लिए कि अपना टैलेंट दिखाए और दुनिया उसे देखे। आप ईस्ट दिल्ली में कैसे पहुंचे, इसकी कहानी हम लोग जानना चाहते हैं, कि क्योंकि आपको IPL में भी पहले देखा होगा और DPL में भी मुझे लगता है कि बहुत सारी फ्रेंचाइजी ने आपको अप्रोच किया होगा, तो ये ईस्ट दिल्ली में आने का सफर कैसा था? ड्राफ्ट है। ये तो किसी ने अप्रोच किया होगा पहले? नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं, बस मुझे तो बस शाम को प्रैक्टिस पे था, बस ईस्ट दिल्ली के ग्रुप में ऐड हुआ, बस खत्म। इतना आसान था बस, मतलब सीधा ग्रुप में पता ही नहीं, हाँ इतना इससे मुझे पता ही नहीं था, बस इतना ही था, मुझे ये पता था आज ऑक्शन या ड्राफ्ट बोलते हैं, ड्राफ्ट चल रहा है, तो उस टाइम भी कुछ नहीं पता लगा, बस शाम को आप ग्रुप में ऐड हो गए, बस आपको पता लग गया आपकी टीम। मतलब बचपन में भी ऐसा ही होता था कि अगर कल सुबह क्रिकेट खेलना होता था तो लड़कों के बॉयज ग्रुप जो होता था व्हाट्सएप मैसेज आ जाता था कि कल सुबह क्रिकेट खेलो, उसी तरीके जितने बजे मैच है आ जाना, बस यही तो यही सेम चीज थी। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग्स का एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा, बहुत बड़े बड़े स्टार्स महेंद्र सिंह धोनी, उनसे आपकी बातचीत कितना इंस्पायर करते हैं वो आपको, और चेन्नई सुपर किंग्स के उस पूरे सफर के बारे में बताएं। आई थिंक चेन्नई सुपर किंग ऐसा बोल सकता हूँ मैं, जैसे एक छोटे से बच्चे का एक ड्रीम होता है कि आप अपने सामने ऐसे प्लेयर को खड़ा हुआ देखना जिसे आपने पूरी जिंदगी टीवी पे देखा है, और इतनी ट्रॉफियां और इतना, और उसे आप अपनी आंखों के सामने देखो तो आप सोच नहीं पाते सच्चाई है ये झूठ है, ये सपना क्या है। और आज भी अगर मैं उन्हें मिलता हूँ या देखता हूँ तो मुझे वही फील आता है जो पहले दिन आता था, कि MS धोनी जिन्हें मैं टीवी पे देखता हूँ मेरे सामने, और ऐसे ही लगता है मैं सपने में हूँ आज भी, और ऐसा लगता है ये सपना खत्म ना हो, वो हमेशा सामने ही रहे, पर IPL हर साल खत्म हो जाता तो आना पड़ता है। IPL खत्म हो जाता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी आप तो टीम के हो, मतलब हर किसी से सवाल पूछते हैं कि एक और सीजन क्या खेलेंगे, आपसे पिछले इसी साल जब IPL हुआ तो क्या कुछ बातचीत हुई थी कि मैं खेलूंगा, MS धोनी को लेकर आपको क्या लगता है, कुछ बातचीत हुई थी इस बारे में, रिटायरमेंट के बारे में? मैं तो हर बार बोलता हूँ प्लीज भैया रिटायर मत हो, हमें खिलाओ, हमें सिखाओ, क्योंकि हम मुझे आपसे ही सीख सकते हैं सबसे बेस्ट दुनिया में, तो मैं तो चाहता हूँ वो पूरी जिंदगी खेलते रहे, जब तक मैं खेल रहा हूँ जब तक खेल रहे बहुत बड़ी बात है ये। और महेंद्र सिंह धोनी के लिए अभी किस तरीके से जब आप गेंदबाजी कर रहे होते हो क्या कन्वर्सेशन रहती है, जब इंटेंस मूवमेंट होता है कुछ क्रंच मैच सिचुएशन होती है, किस तरीके से वो गाइड करते हैं आपको? बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, हर चीज़ में वो गाइड करते हैं आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज़ में मेंटली भी गाइड करते हैं और आपको आपके स्किल पे भी गाइड करते हैं कि आपको क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, हम क्या कर सकते हैं इस मैच में, क्या कर सकते हैं ये विकेट पे क्या हो सकता है, बहुत चीज़ें हैं एज ए क्रिकेटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, वो बहुत चीज़ें बताते हैं आपको, इतने सारे ऑप्शन देते हैं कि आपको कि सिंपल आपको बोल सकते हैं ना, एक सिंपल हो जाता है क्रिकेट आपके लिए बहुत, कि इतना ही सा है, हाँ ऐसे ही तो करना है,
वो आपके दिमाग में गेम प्लान कर देता हूं, बहुत सिंपल कर देते हैं एज आपके लिए प्लेयर की ये बहुत आपको ऐसा लगता है बहुत सिंपल है गेम। अच्छा सिमरजीत के लिए जैसे इस बार मेगा ऑक्शन आ रहा है तो चेन्नई सुपर किंग्स अगर नहीं तो फिर ऐसी कौन सी दूसरी आईपीएल टीम है जिसके लिए आप खेलना चाहेंगे? आई थिंक पहली तो ऑब्वियसली चेन्नई सुपर किंग्स। सो मुझे लगता मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मुझे वो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा उसमें आता है क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं इन्जॉय करता हूँ उसको और मुझे सीखना है और ज़्यादा, मैं और ज़्यादा बॉलिंग से क्या सीख सकता हूँ, बैटिंग में क्या सीख सकता हूँ। सो मुझे वो है और ये तो एक पार्ट है जहाँ पर आप जाके सीखते हो, तो आप वहाँ पर मैं ये मुझे नहीं पता ऑक्शन में क्या होगा, कौन लेगा या नहीं लेगा। सो मुझे अपना बेस्ट क्रिकेट खेलना है और मुझे अपने बेस्ट क्रिकेट दिखाना है कि मैं ये बेस्ट क्रिकेट है। सो मैं उसकी तैयारी करता हूँ और अपने क्रिकेट को और अच्छा करने की कोशिश करता रहता हूँ हर दिन। अच्छा एक चीज़ और, फिटनेस एक बहुत बड़ा यहाँ पर रहता है हर किसी के लिए और एज अ फास्ट बॉलर तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है फिटनेस, तो आप किस तरीके से अपने आप को फिट रखते हैं, रूटीन क्या है, डाइट प्लान क्या रहता है? आई थिंक बोला जाए मेरे लिए तो स्पेशली क्योंकि मैं लास्ट 2 ईयर से इंजर्ड था और वापस आया इस साल आईपीएल में वापस आया और मुझे थोड़े मैच मिले, मैंने मैच खेले और फिर वापस अब डीपीएल में आके लगातार मैच खेल रहा हूँ। सो फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है एज अ फास्ट बॉलर कि आपके लिए बहुत मुश्किल है एज अ फास्ट बॉलर कंटिन्यू करना, लगातार इतने सारे मैच खेलना, इतनी सारी बॉल डालना, फिटनेस करना और फिटनेस को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। आपको बहुत ज़्यादा खाना पीना रहना सोना सब चीज़ों पर बहुत ख्याल रखना पड़ता है, आपको अपने फिजियो पे जाना पड़ता है, आपको अपने ट्रेनर से बात करनी पड़ती है कि अब क्या कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन क्या है इस मैच के बाद या इस ये करने के बाद, तो आपको बहुत ज़्यादा एज अ टेक केयर करना पड़ता है कि आपको कैसे चलना है और रूटीन से कैसे चलना है। वो आई थिंक एज अ फास्ट बॉलर ये सबसे एज अ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार भी है क्योंकि डिसिप्लिन में ही मज़ा है। बिल्कुल डिसिप्लिन में ही मज़ा है और अपने आप को कई बार स्विच ऑफ करने की ज़रूरत होती है सिमर, जिस तरीके से आप लगातार कोई एक चीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी पॉइंट पर आकर स्विच ऑफ करना होता है, अपना ध्यान किसी और तरफ लेकर जाना होता है, तो सिमरजीत के लिए क्रिकेट के अलावा ऐसी क्या चीज़ है जो आपका ऑफ टाइम कह सकते हैं, आपकी हॉबी कह सकते हैं, कि क्रिकेट के अलावा क्या चीज़ें आप करते हो, कोई गेम हो सकता है या मूवीज देखना हो सकता है, तो ऑफ टाइम क्या है? ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें हैं, आई थिंक अभी तो जैसे ओलंपिक चल रहा था, ओलंपिक देखता था मैं हर रोज़ चाहे सुबह हो शाम हो क्योंकि 24 घंटे ओलंपिक ऑन था, तो मैं हर स्पोर्ट देखता रहता था क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको स्पोर्ट्स में मज़ा आता है। तो क्रिकेट के अलावा कुछ और खेलते भी हो, कभी खेला है या मन कर रहा है? पहले शुरुआत मैंने हॉकी से करी थी, सो मैं हॉकी, मेरे फादर हॉकी खेलते थे, हॉकी प्लेयर थे वो, और अब फिर उन्होंने मुझे डाला था हॉकी, तो हॉकी स्टार्ट कर, फिर हमारा कोई अकेडमी नहीं थी तो मेरे आस मतलब घर के आसपास, मेरे आसपास घर के आसपास क्रिकेट अकेडमी, तो मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हॉकी अकेडमी आसपास नहीं थी, खेलना पिताजी हॉकी खिलवाना चाहते थे, आप भी शायद मन बना चुके होंगे पहले कि हॉकी में जाना, लेकिन क्रिकेट अकेडमी पास थी इसलिए आप क्रिकेट में गए? नहीं हॉकी थी, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, हॉकी वो नेशनल स्टेडियम में होती है और मैं छोटा था, मैं मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में हूँ, सो उस टाइम मुझे खेलना स्टार्ट किया था, जब मैंने हॉकी खेला वैसे संडे जैसे खेलते हैं आप, जैसे जो आज रिटायर हो जाते हैं वो संडे संडे अपना इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, तो मेरे फादर के साथ और भी एक पूरे हैं जो अभी भी खेलते हैं, वो संडे संडे जैसे कॉरपोरेट क्रिकेट होता है वो कॉरपोरेट हॉकी खेलते हैं, तो मैं अभी भी उनके पास जाता हूँ संडे संडे खेलने की, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो, क्योंकि मैं खेला हूँ बचपन में उन्हीं के साथ खेला हूँ, सो वो बहुत आज भी है कि भाई, और उससे फिटनेस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है क्योंकि हॉकी जितना टफ गेम है भागते हुए उतना टफ गेम स्टेमिना बहुत ज़रूरी है, एज ए क्रिकेटर बहुत ज़रूरी है आपके लिए स्टेमिना, सो वो आपके वो फ़ायदा करता है आपके क्रिकेट में, सो मैं इसलिए जाता हूँ और अभी इसे मैं ये मेरा मतलब जो आप बोल सकते हैं कि मैं इसलिए जाता हूँ कि मेरे को अपनी फिटनेस इंप्रूव करने का एक मौका मिलता है कि आप हॉकी खेलो और फिटनेस इंप्रूव करो। अभी तक क्या क्या चैलेंजेस आए आपको लगता है, जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा मेरे करियर में या जितना भी अभी तक मैंने खेला है, और इसके अलावा आखिरी सवाल जो हुआ कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके?
मुश्किल तो आई थिंक हर स्पोर्ट में आप एक टीम जीतती है एक हारती है, वो स्पोर्ट्स का एक आप उसे बोल सकते हैं लॉ है, एक जीतेगा तो एक हारेगा। सो हार जीत का नहीं है आप, मगर हार से सीखते क्या हो वो इम्पोर्टेंट है कि आप हारते हो तो आप उससे क्या लर्न करके जाते हो अपने घर, और जीतते हो तो आप क्या सीखते हो। सो आपको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सी वो है कि आप उससे लर्न करके घर जाओ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आप बस खेलो और घर जाओ। सो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं हर बार कुछ ना कुछ सीख के जाऊँ हर जगह से, चाहे मैं वो मैच ना भी खेल रहा हूँ, अगर टीवी पे कोई मैच चल रहा है, अगर उस मैच में कुछ गलती या मुझे लगा ये चीज़ सीखने वाली है तो मुझे वो सीखनी चाहिए, और फिर मैं प्रैक्टिस पे जाके उसे ट्राई करता हूँ कि ये चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती, मेरे लिए बेस्ट है नहीं है, तो वो ऐसे चलता रहता है, ये नॉर्मल है। और DPL के बाद मतलब क्या प्लान है? हाँ, DPL के बाद आई थिंक अक्टूबर में हमारी रणजी ट्रॉफी स्टार्ट है, तो उसके बाद हम सीधा रणजी ट्रॉफी, आई थिंक 20 दिन का ही गैप होगा हमारे को मुश्किल से, तो और रणजी ट्रॉफी एक बड़ा फॉर्मेट है, 4-day फॉर्मेट है, और उसमें एज अ बॉलर एज अ फास्ट बॉलर आपका बहुत ज़्यादा रोल होता है एज अ टीम को और जीतने के लिए। सो आपको उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, आपको हर चीज़ करना पड़ता है, आपको वो रेड बॉल से वाइट बॉल स्विच करना पड़ता है, रेड बॉल में कुछ स्विंग ज़्यादा है और विकेट कंडीशन कुछ और हो जाती है, वाइट बॉल में अलग होता है, तो आपको रेड बॉल की आदत लानी पड़ती है। किस तरीके से वो आदत आती है इसके बारे में बहुत सारे लोग भी चर्चा करते हैं कि इस आज के टाइम में तीनों फॉर्मेट एक साथ खेलना एक प्लेयर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि एकदम से, क्योंकि हमने पिछले सीजन भी देखा था IPL के तुरंत बाद टीम इंडिया WTC फाइनल खेलने गई, तो किस तरीके से अपने आप को जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करवाते हैं आपकी वाइट बॉल से सीधा आप रेड बॉल क्रिकेट में जा रहे हैं? आई थिंक प्रैक्टिस ही है आपके पास जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, सो आप वही कर सकते हो, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, आप प्रैक्टिस करो, आप रेड बॉल वाइट बॉल तो बॉलिंग ही है, बट आपको वो जो फील होता है वो आपको फील लाना पड़ता है वापस, क्योंकि रेड बॉल का फील बहुत अलग है, वाइट बॉल का फील बहुत अलग है। आपके लिए ज़्यादा स्पेशल क्या लगता है आपके हिसाब से, वाइट बॉल या रेड बॉल फेवरेट क्या है आपके लिए? बॉलिंग बोल सकता हूँ मैं, फेवरेट है। दोनों ही फॉर्मेट आपके लिए आप इक्वली मानते हैं? नहीं, इक्वल है, एज ए क्रिकेटर आप इक्वल है, और रेड बॉल में मज़ा है, रेड बॉल में आप फायर हो, मतलब फायरिंग कर सकते हो, एज अ फायरिंग मतलब आप बोल सकते हो, आप मशीन गन होती है रेड बॉल, रेड बॉल। और वाइट बॉल में कभी कभार वो दो धारी तलवार है, आप भी काट दो तो कट भी जाते हो, क्योंकि बल्लेबाज भी एक होता है। अच्छा, एक इससे एक और चीज़ दिमाग में आ गई, थोड़ा लंबा हो रहा है इंटरव्यू, आपको भी मैच खेलना है शायद आज, बट एक IPL में क्योंकि आप खेल चुके हैं, एक इम्पैक्ट प्लेयर रूल है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एज अ बॉलर, क्योंकि आपने देखा एक एक्स्ट्रा बैटर ऐड हो जाता है, वैसे तो गेंदबाज भी ऐड हो जाता है, पर एक अतिरिक्त बल्लेबाज के आने से आपको क्या लगता है, क्या वो बॉलर्स के लिए थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है? इम्पैक्ट प्लेयर रूल को बेसिकली किस तरीके से देखते हैं आप ओवरऑल? आई थिंक जो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना बता सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बॉलिंग पे ध्यान देता हूँ, मुझे क्योंकि एज अ हमें MSDA भी सिखाते हैं, आप अपने गेम पे फोकस करो ना कि रिजल्ट, सेम है आई थिंक हमारा एज अ CSK एज अ CSK प्लेयर एज अ CSK, तो आपको मोस्टली यही मिलेगा कि हम अपने प्लानिंग और हम अपने गेम पे फोकस करते हैं, ना कि रिजल्ट पे, क्या रिजल्ट आएगा और लोग क्या कहेंगे, उस फर्क के। चलिए, तो सिमरजीत हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करके हमें तो बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है कि आपको ये बातचीत सुनकर और भी ज्यादा अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि हम इन्हें जल्द ही टीम इंडिया की जर्सी में भी देखें। थैंक यू सो मच सिमरजीत आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।